Hello friends, welcome again in my channel. So today we are going to discuss about turgidity and flaccidity. I think you all know we are discussing our video series for class 10th students. So in this video lecture I am going to tell about a comparative view of turgidity and flaccidity. So what happens in turgidity? First point you can write here, turgidity, there will be Inflow of water. Water molecules अंदर की ओर आएंगे cell के अंदर. Inflow of water molecules in a plant cell. आप ऐसा कह सकते हैं कि जब भी inward movement होगा water molecule का plant cell के अंदर, जब वो cell surrounded होगी, when that cell is surrounded by water or dilute solution, जब वो cell surrounded होगी water या dilute solution से, और वो water या dilute solution अंदर की ओर आएगा. Dilute solution. दूसरा point हम लोग ऐसा कह सकते हैं, फ्लैसिडिटी की अगर बात करें, इसी के कंपैरेटिव व्यू में हम लोग फ्लैसिडिटी को लिख लेते हैं. व्हाट इज फ्लैसिडिटी की अगर बात करें तो यहाँ पे प्लांट सेल अपना पूरा का पूरा वाटर कंटेंट लॉस कर देगी. प्लांट सेल लूजेस वाटर. और ऐसा कब होगा? जब वो प्लांट सेल किसी हाइपरटोनिक कंडीशन में रखी जाएगी. हाइपरटोनिक का मतलब, मैंने आपको हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस के बारे में बताया हुआ है अपने लास्ट वीडियो में. तो जिस स्टूडेंट को भी हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक के बेसिक्स ना क्लियर हो, वो हमारे लास्ट वीडियो पे जाके क्लियर कर सकते हैं अपने कॉन्सेप्ट्स को. हाइपरटोनिक कंडीशंस में हम लोग रखेंगे यहाँ पे हाइपरटोनिक, या फिर हम कह सकते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन. फ्लैसिडिटी तभी होगी जब प्लांट सेल अपना वाटर कंटेंट लॉस कर देगा. और कंडीशन कैसी होगी? प्लांट सेल को हम लोगों ने हाइपरटोनिक कंडीशंस में रखा हुआ. ये पॉइंट आपको लर्न रखना है. यहाँ पे पहली बात तो वाटर लॉस हो रहा है, यहाँ पे वाटर इनवर्ड मूवमेंट हो रहा है. दूसरी चीज, यहाँ पे हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस की हम लोगों ने बात करी है. अगले पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो टर्जिडिटी में एक प्रेशर अप्लाई होगा और उस प्रेशर का नाम होता है टर्गर प्रेशर. अब ये कौन सा प्रेशर होता है ये हम लोग देख लेते हैं. एक्चुअली में क्या होगा कि जो भी सेल होगी, सेल के अंदर के जो भी कंटेंट है उसको हम लोग साइटोप्लाज्म बोलेंगे. और साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस के साथ मिलके जब कभी सेल वॉल के अगेंस्ट एक प्रेशर लगाएगी, उस प्रेशर को हम लोग बोलेंगे टर्गर प्रेशर. आप ऐसा कह सकते हैं कि प्रोटोप्लाज्म एक्सर्ट ए प्रेशर अगेंस्ट सेल वॉल, और उस प्रेशर को हम लोग बोलने वाले हैं टर्गर प्रेशर. हालांकि सभी प्रेशर्स, जैसे कि टर्गर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, वॉल प्रेशर, इनका एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको सारे टर्म्स क्लियर होंगे प्रेशर से रिलेटेड. और फ्लैसिडिटी की अगर बात करें तो यहाँ पे प्रेशर से रिलेटेड कोई पॉइंट नहीं होगा. नो प्रेशर इज एक्सर्टेड ऑन सेल वॉल. नो प्रेशर इज एक्सर्टेड ऑन सेल वॉल. नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिखते हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ टर्जिडिटी. अगर सेल टर्जिड स्टेट को मेंटेन रख रही है तो उसका क्या रोल होने वाला है? आप इस पॉइंट को ऐसे समझ सकते हैं कि जो टर्जिडिटी है वो प्लांट को, जो उनके स्टेम है, उनको अपराइट रखेगी. रेस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द स्टेम अपराइट, इरेक्ट रखने में हेल्प करेगी टर्जिड स्टेट. एंड लीव्स स्ट्रेट. और लीव्स कैसी रहेंगी? स्ट्रेट मींस आप ऐसा कह सकते हैं टर्जिडिटी वो स्टेट है, टर्जिडिटी वो स्टेट है जब प्लांट ने अपने मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को रखा हुआ है.
आप इस पॉइंट को ऐसा भी कर सकते हैं कि अब प्लांट अब इससे ज्यादा वाटर होल्ड करने की कंडीशन में नहीं है, स्ट्रेट। नेक्स्ट हम लोग फ्लैसिडिटी में पॉइंट लिख सकते हैं, यहाँ पे ड्रूपिंग होगी, इट लीड्स टू ड्रूपिंग। एंड विल्टिंग ऑफ स्टेम, एंड देयर विल बी विल्टिंग ऑफ स्टेम। तो स्टूडेंट्स कुछ ये पॉइंट्स थे जो फ्लैसिडिटी और टर्जिडिटी के बारे में मुझे आपको बताने थे। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जो टर्जिडिटी है वो शेप को मेंटेन करेगी प्लांट में। जो टर्जिडिटी की बात करें तो इट विल हेल्प इन मेंटेनिंग शेप एंड टू कीप द स्टेम अपराइट। एंड देयर विल बी ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फंक्शन, यू कैन राइट हियर, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, दैट विल बी ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए भी टर्गर प्रेशर रिस्पॉन्सिबल होने वाला है। दूसरा पॉइंट अगर फ्लैसिडिटी की बात करें तो मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया है, लीड्स टू ड्रूपिंग एंड विल्टिंग। और आई होप फ्रेंड्स आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। और इसी तरह आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को शेयर करें अपने दोस्तों से। और कंटिन्यूस सपोर्ट के लिए मैं बहुत बहुत आपके लिए थैंक यू बोलना चाहूँगी। You all are very supporting for me from last 2 years, last more than 2 years. My subscribers are continuously supporting me. So keep watching my channel and share with your friends my videos as more as possible. Thank you, friends. I hope we will meet soon.